हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हंड्रेड। आपको बता दूं, वैसे ही सोने के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन शहर में, फरीदाबाद शहर में, ये आपको बता दूं, सोने के पत्थर से बनी सड़कों हम आपको दिखाएंगे कि कितना विकास हो रहा है, और लगातार वो सड़कें दिखाएंगे जिसमें कहते हैं कि सोने के पत्थर बिछे पड़े हैं, डायमंड बिछे पड़े हैं। इतना विकास दिखाया जाता है कि जनता को यहाँ पर खड़े होकर विकास के लिए, यहाँ के पार्षद का गुणगान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जितेंद्र भड़ाना यहाँ के पार्षद है, वार्ड नंबर 21, ये सब लोग धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं, क्योंकि आपने जो बीते 5 साल में, बड़े चौड़े चौड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि कैसे बीते 5 साल, 5 साल में वो, मैं सोने की, ये माफ कीजिएगा, ये सोने के, ये बुरादा है, ये आपको अगर दिख रहा हो तो सोने की सड़कें हैं, और आप इधर से देख लीजिए सोने की सड़कों में, यहां से लेके आपको बता दूं, ये वो वार्ड है, सबसे बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, दिल्ली से सटा हुआ है, यहां से चंद कदम दूरी पर अगर कहें तो मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर दिल्ली, देश की राजधानी आती है। सोचिए फरीदाबाद की इमेज को कितना थप्पा लग रहा है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और खासकर उन सड़कों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। ये पूरी पूरी सड़क आपको बता दूं यहां से 400 मीटर की है, चैलेंज है पूरे फरीदाबाद के उन निवासियों को, चैलेंज दे रहा हूं, हमें फोटो जरूर भेजिएगा, इससे बेहतरीन सड़क, सोने के पत्थर से सड़क बनी हुई है, शायद ही आपको मिले। शर्म आनी चाहिए पार्षद को, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ये इसमें आपके लिए बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि जितने लोग धन्यवाद नहीं दे रहे, ये आपके लिए, देखिएगा क्या जवाब मिलेगा, अभी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सड़कों के हाल देख लीजिए, हमारे को सोचिए, हमारे हमें खड़े होने में यहां दिक्कत है। दूसरा एक और जो सुनहरा मौका यहां को देखने को मिलता है, जरा एक बार हटिएगा भाई साहब, एक बार हटिएगा, मास्क लगा ले भाई साहब, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है। हाँ, ये देख लिया, और दूसरा ये फाटक दिख रहा है जो जिंदगी में मुझे लगता है कि कब खुलता है, शायद ही लोगों ने अपने देखा होगा फाटक, अक्सर ऑलमोस्ट ये बंद रहता है, यहां पर हादसे इतने होते हैं। आपको बता दें, महीने में लोगों से पूछा कितनी हत्याएं हो जाती है, क्योंकि लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है, यही इकलौता रास्ता है जो फरीदाबाद को जोड़ता है, यहां से इस एरिया को जोड़ने के लिए। ये हालात हैं, हालात ऐसे पैदा होते हैं, लोग ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, सोचिए किस तरीके, आप लोगों से जान लेते हैं क्यों भाई साहब, पार्षद का धन्यवाद देने के लिए खड़े हो या फिर वाहवाही करने के लिए खड़े हो? बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद करने के लिए खड़े हैं। मुद्दा रखिए, क्या बात है? एक्चुअली ये जो सड़क है, हम कई बार पार्षद साहब से मिल चुके हैं, इनके बारे में उन्हें अवगत करा चुके हैं कि ये हमारी सड़क का इतना बुरा हाल है, जब सूखा होता है उस टाइम में इतनी ज्यादा इसमें धूल होती है कि मेरे ख्याल से कोरोना की बीमारी भी इसमें कोई ज्यादा नहीं है, अस्थमा बहुत ही बुरी तरीके से होता है यहाँ पर, और कितने केमिकल हैं इस डस्ट में कोई पता नहीं। अब इस टाइम बरसात, जरा सी बरसात पड़ी उसके बाद कीचड़ हो जाता घुटनों तक, और रोज ही इसमें कोई ना कोई आदमी गिरता है, लेडीज का तो बहुत बुरा हाल है। पूछते एक बार के, सड़क कैसी थी? आयो सोने की सड़क में से, आयो सोने के पत्थर से बनी जो सड़क है। हाँ जी सर, बहुत बुरा हाल है यहाँ, बहुत बुरा हाल है। लोग बता रहे हैं कि बहुत बेहतरीन सड़क है आपकी, जो वार्ड 21 के पार्षद है, बेहतरीन सड़कों में नहीं जाता है, यहाँ से निकला भी नहीं जाता है। क्यों, परेशानी क्या आ रही है? एक लड़की की परसों ही बाजू टूटी है यहाँ पर, यहाँ से रिक्शा गिर के। अच्छा, मतलब रिक्शा भी पलट जा रहे हैं? रिक्शा भी पलट जा रहा है, रिक्शे में जो लेडीज बैठते हैं, ड्यूटी जाना आना वो सब डर डर के जाते हैं मथुरा रोड तक, और सारे लेडीज दो तीन तो गिर गई है, बाजू टूट गई, किसी की टांगे टूट जाती है। अच्छा, चलिए और लोगों से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या दिक्कत क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है? यहाँ तो रोड की प्रॉब्लम आज से नहीं, बहुत दिन से है रोड के, रोड है, फाटक नहीं है, फाटक भी है क्या, कई सालों से, बताइए क्या थी? कई साल से, जब बरसात आती है यहाँ देख लो ये हाल है, इसकी खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे, जानने के लिए आए इसलिए, बताइए हाल क्या है, आप बताइए ना, इतने गंदे हाल है कि पैदल क्या, मोटरसाइकिल ना, ऑटो ना, रिक्शा कुछ भी नहीं जा सकता, और ये फाटक 24 घंटे बंद रहता है, इसके नीचे से जाना पड़ता है लोगों को। है क्या कह रहे हैं? आए दिन हर महीने में 2-4 लोग मरते रहते हैं। हाँ, वो है 2-3 लोग मरते हैं, मेन वजह ये है, फ्लाई ओवर की जरूरत है यहाँ पे ना, बंदे इतने मरते हैं, कोई कुछ पूछो मत, या फ्लाई ओवर होना चाहिए या तो रोड पक्की होना चाहिए, दोनों में से एक काम। तो रोड तो सुनहरी दे रखी है पार्षद ने, यह सुनहरी रोड है, गड्ढा पानी दुनिया भर का भरा हुआ है। सुनने में आई थी कि सोने के पत्थरों से बनी है सड़क। हाँ, सोने के पत्थर से बनी है, पानी भरा हुआ सारा। अच्छा, यही सोने से पत्थर, सोने का पानी होना, वो पानी नहीं होता कि फेरते हैं, जाना पड़ता है, इतने तो पानी में घुस के जाना पड़ता है, वो ऑटो यहाँ नहीं मिलते हैं, आज के लिए कोई ऑटो नहीं जाता है, और हम मथुरा रोड के पार्षद के पास गए थे, आपसे क्या कहा, पार्षद विधायक के पास गए थे आप, के पास सबके पास है, यहाँ तो मीडिया को पार्षद के पास क्या हो रहा है ये रोड पे, हमने मैं एक बार कहना लाला हड़ाना के पास मैं 2-3 बार गया, रिक्वेस्ट किया, बोले हमारे पार्षद से पूछ रहा हूँ, मैं पार्षद और विधायक की बात कर रहा हूँ, मुझे सिंपल पार्षद और विधायक का काम है, पार्षद और विधायक ये इस रास्ते से कोई लेना देना है, उनको वोट मिल गया, पैसे जेब में जा रहा है, दे तो फिर वोट उनको, ऐसे लोगों को फिर क्यों दे, तो काम नहीं होता, तो ये वादा किया था इसको बनाने का कि पानी बिजली
बड़ी सड़क देने का वादा किया। बनाने की तो झांकने के लिए नहीं आते एक बार भी, बनाने की तो बहुत दूर की बात होती है। अच्छा। ये अगर देखने एक बार को गलती से आ जाए और खुद उनको अगर पैदल घुमा दो यहाँ से लेके और वहाँ तक, तो वो रोते हुए जाएंगे अपने घर को। आदमी पब्लिक तो ऐसा रो रही है आए दिन, एक रिक्शा वाला किसी का पैर टूट जा रहा है, कोई लेडीज गिर जा रही है, कोई कैसे गिर जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। पिछली बार बरसात में ऑटो पलटा था और दो लेडीज की कना एक पैर में फ्रैक्चर आया था। आप ये समझ लिए कि यहाँ से मतलब यह है कि 90% और इधर के पार्षद जी हमारे से जो है वो कहते हैं कि हमारे अंडर में ये एरिया हमारे अंडर आता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो ये फरीदाबाद का एरिया है कोई अलग से तो है नहीं, जो कि ये वार्ड 21 में आता है ये बिल्कुल यार, ये वार्ड क्या है 21 में आता है, पर वो फिर उनके अंडर में आता होगा। हाँ उनके अंडर में आता है, फिर भी इस चीज को वोटने के तो इधर क्या है फिर आप बताइए। इधर ये 37 में लग रहा है, दूसरे राज में लग रहा है, चक्कर वार्ड नंबर कौन सा वार्ड है फिर अपनी भी जानकारी शेयर कीजिए कौन सा। ये वार्ड नहीं पता लेकिन है, 21 में ही आता है जी, ये 21 में ही आता है। हाँ बताए, ये वोट लेने के लिए वार्ड नंबर 21 में आता है, वोट लेना होता है तब, उसके बाद कस्टमर किसी को नहीं पता कौन पब्लिक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अभी इलेक्शन का माहौल है, अब 32 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इससे वार्ड नंबर 21 से। अच्छा। लेकिन समाज सेवी सिर्फ एक हमारे अर्जुन भाई, भाई देखो किसी से अभी मैं किसी का प्रचार करने नहीं आया भाई, अपनी समस्या रखिए छोड़िए अपनी समस्या रखिए, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉलोनी के जो कंडीशन यहाँ देखिए कौन भाई कौन है मुझे ये नहीं पता, मुझे समस्या बताइए वही कंडीशन कॉलोनी की है, ये मुझे समस्या बताइए। मैं पार्षद विधायक की बात पूछ रहा हूँ, पार्षद तो एक है ना, विधायक यहाँ पे है, किसमाल गुजर सांसद है, विधायक सीमा तिरका है, बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद ये स्थिति खराब हो रही है। पार्षद कौन सा है? कांग्रेस का है, कांग्रेस का एक पार्षद है मान लीजिए, और पार्षद तो नहीं है ना, एक दो पार्षद है, बाकी जो अभी गवर्नमेंट उसकी एमसीडी एमसीएफ में भी बीजेपी के पार्षद का तो काम है, पार्षद क्यों पूछा क्यों नहीं है? वो कह रहा है मैं अकेले है, मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा कोई काम नहीं कर रहा है। तो पार्षद के पास गए आप सब? कोई सा भी नहीं गया है कॉलोनी में, कौन कैसे आपको पता नहीं गया, कैसे आपको पता नहीं गए? हम भी कई बार गए हैं। आप समर्थक तो नहीं है पार्षद? सुनते ही नहीं जीत, पार्षद के समर्थक तो नहीं हो जितेंद्र ने, हम किसी का समर्थक नहीं। आप कैसे बोले जनता इतनी पागल वाले भाई, जनता है रिक्शा वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक और चीज दिखा देना जो सुनहरा एक और रोड, आप थोड़े लोग उधर आ जाइए, थोड़ा मैं इधर उधर पे जा रहा हूँ एक बार के। पहले बात ध्यान से आएगा कि आपको बता दूं फाटक का हाल क्या है, जरा मैं आपको बता दूं, ये फाटक से लोग इस तरीके से लोग निकलते हैं और ये फाटक का जरा ध्यान से निकलेगा, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई समस्या, कुछ ना कुछ यहाँ पर समस्याएं होती हैं, कई यहाँ मुद्दे उठ चुके हैं। आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर जी ने यहाँ पर 15 करोड़ की लागत से बनाने के लिए इसके ऊपर ओवरब्रिज बनाने की बात रखी है, आपको बता दें। लेकिन दिक्कत इस बात की है जो सड़क है, सड़क को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, और ये चीज फ्लाईओवर कब बनेगा, सड़क कब बनेगी, ये राम जाने, लेकिन लोगों की समस्या आई। दूसरी आपको दिखा दूं सोने के पत्थर से बनी सड़कें, हालात देख लीजिए, जिधर भी नजर घुमाएंगे हालात बद से बदतर है, बद से बदतर हालात हो रखे हैं, चाहे कहीं भी चले जाए, पूरे के पूरे वार्ड की बात कर रहा हूं, इस वार्ड में क्या समस्या है तमाम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से लोग अपनी समस्याएं रखने के लिए लगातार यहां आ रहे हैं, ये पूरी के पूरे आपको बता दूं लोगों की समस्या है, तभी हालात आप देख लीजिए हालात किस तरीके हैं, ये हालात है यहाँ से लेके ये हालात है पूरा पूरा है। जैसे ये गली है ना ऐसी अंदर गलियां अच्छी बोली जा रहा, जैसे अब हमारी ये फाटक की गली है ना ऐसे हमारे घर गलियां हैं, जो गली है मेन गली, घर से हम बाहर नहीं निकल सकते इतना है। ये मेन रोड है और मेन रोड ऐसा है तो कॉलोनी की जो घर घर की गलियां है वो कैसी होंगी, वो आदमी हर इंसान हो सकता है सोने के पत्थरों से ये ना ये बनी हो तो चांदी के पत्थर की हो। बिल्कुल ये बात आप सही बोल रहे हैं कि सोने के पत्थर ही लगवा दिए हैं जो आप लोगों ने शायद घर में उखाड़ उखाड़ के रख लिए हैं, ऐसा हो सकता है। पर हमारे पैर देख सकते हैं आपके पैर कैसे हो गए हैं, जो हमने कभी हल चला के आए हूँ हम। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, पर हमें तो कभी कभी इसकी वजह से बंद करना पड़ता है, बच्चे निकल नहीं पाते छोटे छोटे, कहाँ से निकल पाते, सड़क खराब, ऊपर से फाटक बंद, बस यही होता है, बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती है, टीचर के मारे निकलते हैं तो गिर जाते हैं। क्या मैडम, एक मिनट मैडम, समस्या आ रही है निकलने में? यहाँ पहली बार आयो? नहीं, यही हम लोग। अच्छा, क्या समस्या क्या आ रही है जरा बताइए ना, आराम से निकल रही है, सोने की सड़क है, यहाँ निकलने में बहुत प्रॉब्लम है। देख लो ना प्रॉब्लम तो ये देखो ना, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है सारी। अच्छा, तमाम जो रहे लोग बाहर जो निकल रहे हैं उनकी समस्या, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे?
भैया यहाँ पूरे गली में ये हालत है, कहीं भी रास्ता निकलने की नहीं है, हर गली में कहीं चले जा रहा पूरे में। मतलब ये कि आपका वार्ड कहाँ से नहीं है, वहाँ आपके वार्ड में लगातार जो हो रहा दबा के विकास हुआ, जो जिसकी समस्या वाला विकास ठीक है, देख रहे हैं आप खुद लोग कितना अच्छा बहरा। अब विकास नहीं चाहिए इससे ज्यादा है, अब इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं हमको। सारा रोड कंप्लीट करके बना दूंगा और इसी के डिमांड पे उन्होंने वोट मांगे थे सबसे, तो दो तीन महीने के एग्रीमेंट करके सबको बोला था दो तीन महीने में रोड कंप्लीट हो जाएगी और लोगों ने खुल के वोट दिया है। आप देख लो स्थिति आज, तो फिर दूसरा अब फिर इलेक्शन आने वाला है पार्षद का। रोड न रोड बना, न लाइट लगी, न पोल करी, जो जैसा है वैसे ही रहा। मतलब ये है कि इतना विकास कर दिया कि बस करो भगवान जी, बस के पास अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए नारियल। कितना जितना भी बोरवा लो सब था, हमें नारियल वाले को खूब बिकते हैं यहाँ नारियल। इससे ज्यादा विकास नहीं चाहिए, ज्यादा विकास नहीं होने वाला, यहाँ ज्यादा ही हो गया विकास है, ज्यादा विकास होगा। जहाँ देखो रोड है, जहाँ देखो पोल है, जहाँ देखो लाइट है, सब जगह यहाँ सबसे ज्यादा कुछ है तो मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ बैनर है, बैनर लगाने की जगह नहीं है, शाबाशी वाले बैनर। हाँ शाबाशी वाले, हाँ एक देखो टीपी इस पोल पे देख लो, साकी वाले गिर रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, लोग बाग देख लीजिए किस तरीके से हालात हैं लोगों को। पोल देख लो जितना इसमें वेट नहीं है उससे ज्यादा इसमें बैनर लगी हुई है। काम देखो फिर दो, एक दो पार्टी की नहीं लगी अभी, वो भी लग जाएगी 10-20 दिन में, ये हाल है यहाँ का। बैनर खूब लगती है, जितने पैसे यहाँ पे विकास होगा ना उतने के बैनर लग जाते हैं यहाँ। अच्छा ये हाल है यहाँ का, कोई विकास नहीं कर रहा। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे फैदाबाद शहर में सबसे ज्यादा विकास तो यही हुआ है। कमिटमेंट तो ऐसे करते हैं जैसे समझो का पक्का ये करवा देगा बंदा, कमिटमेंट के भरमार है यहाँ पे, पूरा कमिटमेंट करते हैं, दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लोग सोचता है यार ऐसे तो बंदा आए नहीं दो महीने में कंप्लीट, फुल के ऐसे पार्षद को तो मुझे लगता है कि पीएम का इलेक्शन लड़ना चाहिए, इतना विकास दे दिया। अरे बात ऐसे करेंगे जैसे लगेगा देश ही डूब जाएगा सर। अच्छा पक्का बिक जाएगा देश, पूरा देश बिक जाएगा अगर ये हाल रहेगा तो। मतलब ज्यादा स्टेटमेंट हो जाती है, ज्यादा ज्यादा बात हो जाती है। अगर यहाँ नेता मंत्री किसी विधायक और पार्षद के बस की नहीं है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, रोड बहुत ज्यादा खराब है, आज तक मैंने बनता हुआ नहीं देखा। अभी पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ तो उनके बस की नहीं है, वो पिछली बार भी नहीं बनवा पाए, अब भी नहीं बनवाएंगे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और 8-9 महीना हो गया है, 8-9 महीना पे यहाँ पे खड़ा हो करके रात के रात देखो हमने बैनर लगाया हुआ, देख रहे हो रेलवे फाटक के लिए, ये देख रहे हो हमने बैनर लगाया हुआ इसी फाटक के लिए, और यहाँ का आप पार्षद का ये हाल है। बाकी तो मैं सबका बोलूंगा, एक ही आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, यहाँ कोई विकास के लिए करवाना नहीं चाहता भाई साहब। विकास ज्यादा हो गया, बह रहा है अब तो, बह रहा है विकास अब तो, रोक दो बस से। हमारा बैनर भी अब पुराना हो गया, नया लगाना पड़ेगा। ये बैनर 5 साल हो गए पूरे, 5-7 साल से मिले हैं, 5 बिल्कुल मिले। क्या कहा उन्होंने? आश्वासन खाली आश्वासन, हो जाएगा कुछ नहीं। इस बार भी आश्वासन पे वोट दीजिएगा आराम से। उन्होंने एक ईंट अगर यहाँ पर लगाई तो कैसे, वही बात कैसे बीते 5 साल, बढ़िया वाले बहुत घटिया वाले हैं, बढ़िया वाले तो आ ही नहीं सकते, अब वो ही नहीं आएंगे, घुटनों में दम है ना, तो चलो सड़क के चलो, आओ चलो तो चलो, बता रहा हूँ आपके लिए इतना विकास नहीं। अगर पार्षद के पास भी चलना है तो चलो, और हम नहीं जाएंगे, वो खबर देख लेंगे अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी खबर। तमाम तो जितने भी तमाम साथी आप देख रहे हैं, लोगों का धन्यवाद इस बात के लिए कि बस करो पार्षद साहब, इतना विकास आपने दे दिया कि लोगों को लग रहा है कि ज्यादा विकास नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि विकास यहाँ बह रहा है, थोड़ा कीचड़ में बह रहा है, जमा हुआ कीचड़ में बह रहा है, आगे जाएंगे तो गड्ढों में बह रहा है, इतने गड्ढे सड़क पर हो रखे हैं कि इतना विकास बह रहा है। दूसरा फाटक बनवाने के वादे बहुत हो जाते हैं, तो फाटक से लोग ऐसे निकलते हैं रॉकेट की तरह सीधा सीधा, जो कहते हैं लैंडिंग करना, तो ऐसे लैंडिंग कर जाते हैं सर साहब। मतलब यह है कि विकास इतना दे दिया आपने कि लोगों को चाहिए कि आप बस, इतना विकास आपने दे दिया है लोगों को, ये थैंक यू बोला है कि आपने सोने के पत्थर से लगी सड़कें आप दे रहे हैं, इतना विकास बहुत है, क्योंकि लोगों का कहना है कि विकास इतना हो गया कि लोगों की बोर्ड या साइन बोर्ड इतने लगे हुए हैं कि विकास कितना हो गया। समझ गया भाई। तो इसे तमाम जितने आप साथी देख रहे हैं कि ये हालात पैदा हो जाते हैं, फाटक खुलता नहीं है कि लोगों को लगता है कि सोचिए किसी उस कैद से बाहर निकल रहे हैं जहां बहुत देर तक समस्या, क्या हुआ समस्या आती है फाटक से? अरे समस्या फाटक से क्या हुआ, लोग तो देखो पहले बहुत समस्या है। क्या समस्या? सड़क वड़क तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, सड़क कहाँ बढ़िया है, इतना इतना पानी हेल कर जाते हैं। अरे बाबा सोने के पत्थर से बनी सड़कें, रुक जा भाई, फाटक पर यहाँ से
वहाँ तक जाने में इतना कीचड़ में जाते हैं। कीचड़ कीचड़ आना दरिया, देखिए क्या हालत हो रहा है। हल निकलो रोड का, दिखाइए जरा। वहीं से आ रहे हैं सर, वहीं से आ रहे हैं ना, सोने के पत्थर से बनी है, बनी है। आदमी पैदल चलने लायक की ये जगह नहीं है, आदमी पैदल चलने लायक नहीं। अरे सोने पे कोई चलता है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब समझ जाइए कि लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो आम चलती हुई जनता है, रोक के पूछ रहे हैं। जरा एक और, ताकि ये ना सोचे कोई कि ऐसे ही। हाँ भाई साहब, सोने के पत्थर से बनी सड़कों में आ रहे हो, कैसा लग रहा है? गड्ढे गड्ढे जी, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो विकास तो दिख रहा है गड्ढों में, आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। बहुत तगड़ा विकास दिख रहा है। आप सबने चाहिए, आप खड़े तो विकास की जगह पे खड़े हो। सोने मिट्टी सोने, आपके पैरों में भी सोने लगे हैं, मेरे पैरों में भी सोने लगे, पैरों में सोने की वो लगी हुई है ना, सोने की छाप। बहुत बहुत बढ़िया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाजा लगाइए, क्योंकि मिट्टी का कलर भी सोने जैसा होता है। इसलिए ये लगातार आप अंदाजा लगे, रेलवे फाटक है, लोगों को डर बना रहता है। एक तो फाटक हमेशा कोशिश होती है, ऑलमोस्ट अधिकतर टाइम बंद रहता है, कई हादसे हो जाते हैं, लोग झुक के निकलते हैं। दूसरा, सड़क बेहद ही खराब है। ये पार्षद साहब को सुनना चाहिए कि इन लोगों ने आपकी तारीफ करी है या आपकी पोल खोली है। इतना विकास बहुत ज्यादा हो चुका है, बस कीजिए, क्योंकि आपके जो वादे हैं, आपके जो आश्वासन है, वो सड़कों पर दिख रहे हैं। वार्ड नंबर 21 ये हमारी खबर है, कैसे बीते 5 साल। ये 5 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड है पार्षद साहब, जरा ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा आने वाला टाइम आपके लिए कैसा आने वाला है। साथी आचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।